राम राम सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बागड़ी डेयरी फार्मिंग में। और जैसे कि हम रोज़ नई नई वीडियो लेके आते हैं, आज अपना खेत दिखाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं मेरे खेत में आया हूँ देखने के लिए। तो ये नरमे की फसल है, जो कुछ एरिया में कपास की फसल बोलते हैं। कपास हमारे एरिया में देसी जो होती है उसको कपास बोलते हैं, बाकी ये नरमे की फसल यहाँ ज़्यादा बोई जाती है सिरसा ज़िले के अंदर। तो ये अपना नरमा है जी, ये लग रहे हैं इसमें बढ़िया फल लग रहा है। थोड़ी सी बारिश की कमी है, अगर बारिश अच्छी आ जाए तो और भी शानदार नरमा होने की संभावना है। ये देखो मेरी हाइट है, 6 फुट हाइट है मेरी, और मेरी हाइट से ज़्यादा नरमा चला गया है, तो अच्छे नरमा होने की उम्मीद है। तो आप आगे चलते हैं इस साइड में। ये चारों साइड से देखो वहाँ तक पूरा अपने नरमे ही खेती है। ये उधर आगे तक ये रास्ता साइड रखे है पीछे जाने के लिए। पशुओं के लिए चारा बीज रखा था पिताजी ने। ये बाजरी है, अभी देखो ये जूम करना, ये सिट्टा देखो, सिट्टा बोलते हैं बागड़ी भाषा में। सिट्टा तैयार है बिल्कुल, बाजरे के दाने पक्के तैयार हो गए हैं। चिड़िया खाएगी इनको, क्या निकालेंगे ये 100, 200, 500 की तादाद के अंदर ये सिट्टे पके हुए हैं। वैसे इसको निकाल के खाया जा सकता है ऐसे। इस साइड में भी नरमा है, ये पड़ोसियों का है, हमारे पड़ोसी हैं उनका नरमा है, ये इनका भी नरमा बहुत अच्छा है। ये देखो नरमे की जो बहुत तो अच्छे अच्छी क्वालिटी में है, खूब फल लगे हुए इसके। जो पेड़ खड़ा उससे आगे तक, और इधर पूरे एरिया में आगे चलते हैं। वहाँ नरमा चुवाई का सीजन शुरू होने वाला है भाई, लगभग तो हो गया खेतों में। 10-15 दिनों के बाद अच्छे से नरमे की चुगाई का काम स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है इसमें, स्प्रे की हुई है। अंदर लेके आना कैमरा। अपन इसे एक पौधे गए, ये नॉर्मल एवरेज पौधा है, जितने भी पौधे हैं यहाँ एवरेज पौधे हैं, उसमें से इस पौधे को आप इसको काउंट करते हैं ना, इसी को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
60 के लगभग, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50 तो इसमें ये इसको टिंडू बोलते हैं हमारे, ये पक चुके हैं, बाकी ये फूल लगे हुए इनमें से और बनेंगे।
लगभग उम्मीद है 100 तक जाएंगे। 100 तक जाते हैं तो एक एकड़ के अंदर 30 मन किसानों को उम्मीद रहती है, 30 मन फसल नरमे की जरूर होती है। तो मौसम बढ़िया रहा और कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई। अगर ज़्यादा बारिश ना आई तो बहुत अच्छा नरमा होने की उम्मीद है, फिर किसानों को टंकी बिछड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छा नरमा हो गया तो। तो आज छुट्टी थी मेरी, खेती बाड़ी पिताजी ज़्यादा देखते हैं, छोटा भाई है वो भी सर्विस में बाहर चला गया, तो आज छुट्टी थी तो अपना खेत देखने आ गए। और अपन नौकरी लग जाए चाहे स्टडी कर रहे हो, अपना खेत ज़रूर देखना चाहिए, ज़मीन से ज़रूर जुड़ा रहना चाहिए बंदे को। और ये मेरी काली रानी है, इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल भी नहीं मांगती, खर्चा भी नहीं है। जब भी छुट्टी होती है मैं इसको लेके गांव में, खेतों में, भाईचारे में घूमता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, एक नई वीडियो साझा करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।